प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक रिमझिम भाग 3 के पाठ 4 मन करता है को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखे लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है श्री सुरेंद्र विक्रम जी। प्यारे बच्चों, अभी हमने कविता पढ़ी मन करता है, जो कि एक छोटे से बालक के मनोस्थिति को दर्शाती हुई बहुत ही प्यारी कविता है, जिसके कवि का नाम है श्री सुरेंद्र विक्रम जी। तो इस कविता में कवि हमें ये बताता है कि उस बालक का मन बार बार क्या करता है। वो बालक कहता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। वो कह रहा है, बालक कह रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है कि जैसे सूरज कभी पूरब की ओर कभी पश्चिम की ओर दौड़ लगाता है ना, तो मेरा मन भी ऐसा करता है कि मैं सूरज की भांति कभी आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। वो कह रहा है, मेरा मन ऐसा करता है कि जैसे चंद्रमा सब तारों पर अकड़ दिखाता है ना, चंद्रमा कहता है मैं सबसे ज्यादा बड़ा हूँ, सबसे ज्यादा चमकीला हूँ, तुम तारे तो छोटे छोटे हो, है ना, और अकड़ दिखाता है, तो मेरा भी मन करता है मैं चंद्रमा की भांति सब पर अपनी अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। यहाँ बाबा का मतलब है बच्चों दादाजी, मतलब ये है कि जैसे दादाजी हमारे घर के बड़े होते हैं, उनकी बातों को सब मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने दादाजी के जैसे सबसे अपनी बातें मनवाऊं। धौंस जमाने का मतलब ये नहीं है कि सब पे ऑर्डर पास करूं, नहीं, ये मतलब है कि मैं सबसे अपनी बातें मनवाऊं और सब मेरा आदर करें। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। ये भी मन करता है मेरा कि मेरे पापा की जैसी मेरी मूंछें बड़ी बड़ी है ना, मैं भी ऐसी मूंछ बना लूं, पर मैं तो अभी तो छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक हूँ, मेरी मूंछ कहाँ आती है, पर मेरा मन तो करता है कि मैं पापा जैसी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। वो कह रहा है, मेरा ये मन करता है कि मैं तितली की भांति दूर दूर तक निश्चल होकर उड़ता जाऊं और आसमान को छुऊं और अपने रंगों को बढ़ाऊं। मेरा ये भी मन करता है कि मैं तितली बनकर उड़ूं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। ये कह रहा है कि मेरे बहुत मन करता है कि मैं जैसे कोयल प्यारा प्यारा गीत गाती है ना, मीठे मीठे बोल सुनाती है, मेरा भी मन करता है कि मैं कोयल की भांति मीठे मीठे गीत सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मेरा मन ऐसा भी करता है जैसे चिड़िया दिन रात ची ची चूचू चूचू ची ची करती रहती है ना, ऐसा मैं भी शोर मचाऊं, पर मैं तो कर ही नहीं पाता, पर मेरा मन तो ऐसा करता है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ये बात तो उसने बहुत हमारे दिल की कही कि हमारा तो रोज ही ये मन करता है कि हम चरखी लेकर बाहर जाएं और पतंग उड़ाएं। चरखी क्या होती है बच्चों? चरखी वो होती है जिसमें पतंग की डोर को मंजे को लपेटा जाता है ना, उसे चरखी बोलते हैं। तो मेरा मन ये करता है कि मैं चरखी लेकर जाऊं और ऊपर जाकर छत पर खूब पतंग उड़ाऊं। मम्मी पीछे से कहती रही, बेटा घर आ जा, खाना खा ले, पढ़ाई कर ले। नहीं मम्मी, आ रहा हूँ, एक पतंग और काटने दो, है ना। अरे मेरा मन तो यही करता है कि मैं जाऊं और कोई रोक टोक ना हो, चरखी लेकर जाऊं और खूब सारी पतंगें उड़ाऊं। तो बच्चों, ये कितना प्यारी सी कविता है कि उस बालक का क्या क्या मन करता है। सुरेंद्र विक्रम जी द्वारा रचित ये बहुत ही प्यारी कविता है। मुझे आशा करती हूँ बच्चों आपको पोयम समझ में आई होगी, कविता समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो याद करो और अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी प्रकार से लिखो। बाय बाय बच्चों।